हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम फ्रिक्शन यूनिट को आगे बढ़ाएंगे और आज हम फ्रिक्शन का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके दो प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में और भी कई नंबर ऑफ टॉपिक स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें फ्रिक्शन यूनिट का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा अ ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू बी अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इन ऑर्डर टू मूव द ब्लॉक ऑन द सरफेस, अज्यूम म्यू इक्वल्स टू 0.30। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखिए क्वेश्चन जो है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स पी विच इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हमें ये फोर्स पी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और ये फोर्स से ये ब्लॉक को पुल किया जा रहा है। ये ब्लॉक को पुल करने के बाद ये ब्लॉक मूव करेगा, तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। जब फ्रिक्शन होगा तो म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.30 आपको यूज करना है। तो चलो देखते हैं ये फोर्स पी कैसे फाइंड आउट करेंगे। और ये ब्लॉक वाला प्रॉब्लम जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं ये इसका थर्ड प्रॉब्लम है। इसके पहले ऑलरेडी जो हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो भी ब्लॉक वाले प्रॉब्लम थे। पूरे फ्रिक्शन यूनिट में टोटल चार टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है सिंपल फ्रिक्शन, सेकंड टॉपिक है लैडर फ्रिक्शन इट मींस इंक्लाइंड बीम का फ्रिक्शन, थर्ड टॉपिक है वेज फ्रिक्शन और फोर्थ टॉपिक है बेल्ट फ्रिक्शन। तो उसमें से ये सिंपल फ्रिक्शन है और ये सिंपल फ्रिक्शन में काफी सारे टाइप्स हैं। जैसे सिंपल फ्रिक्शन में ब्लॉक के प्रॉब्लम्स आते हैं, स्पीयर के प्रॉब्लम्स आते हैं, सिलेंडर के प्रॉब्लम्स आते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉड ए बी या हॉरिजॉन्टल बीम ए बी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसमें से ये ब्लॉक का प्रॉब्लम है और ये ब्लॉक का थर्ड प्रॉब्लम है। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके दो प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमने कहा था कि यहां पे जो है फोर्स पी फाइंड आउट करना है। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पे एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि हमने आपको कहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करना है। इसके पहले हमने जो दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो दोनों प्रॉब्लम्स में भी हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज किए थे, बिल्कुल वही टेक्निक से हम इसको सॉल्व करना है। तो हमें इसको अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व करना है तो यहां पे ये ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। जब तक आप एफबीडी नहीं बनाते तब तक यहां पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज नहीं कर सकते। तो चलो सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, देन आफ्टर हम वन बाय वन इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक। एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम। सो एफबीडी हम बनाएंगे, बिना एफबीडी के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकते। तो ये हम एफबीडी में सबसे पहले हम ब्लॉक का सबसे पहले हम ब्लॉक को शो करेंगे और ब्लॉक जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये हम ब्लॉक बनाएंगे। और कोई भी एफबीडी बनाते समय आपको सबसे पहले क्या शो करना है, कोई भी एफबीडी बनाते समय आपको सबसे पहले वेट शो करना है और वेट हमेशा सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये हमने सबसे पहले वेट शो करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने ब्लॉक का वेट कितना दिया है, तो ब्लॉक का वेट दिया है 200 का। तो ये हमने ब्लॉक का वेट शो करें सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका वेट ये देखिए, ये वेट हमने शो करें सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट शो करने के बाद सरफेस रिएक्शन शो करना है। सरफेस रिएक्शन बोलो या सपोर्ट रिएक्शन बोलो या नॉर्मल रिएक्शन बोलो, तो ये देखिए, ये हमने नॉर्मल रिएक्शन शो किए हैं आर, और ये रिएक्शन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस शो करना है, तो वो हमने शो किए। इसके बाद और हमें क्या शो करना है एफबीडी में, तो ये जो इंक्लाइंड फोर्स दिया था फोर्स पी, ये हम शो करेंगे एज इट इज। और ये इंक्लाइंड फोर्स 30 डिग्री से इंक्लाइंड दिया है, तो ये हम फिलहाल एज इट इज शो करेंगे। लेकिन एफबीडी कंप्लीट करने के लिए हमें इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना होता है। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए इंक्लाइंड फोर्स का एंगल पता होना चाहिए, और यहां पे इंक्लाइंड फोर्स का एंगल जो है वो दिया हुआ है। यहां देखिए, ये इंक्लाइंड फोर्स 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, ये है फोर्स पी, और यहां पे फोर्स पी से पुल करने के बाद ब्लॉक जो है वो जाहिर सी बात है हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करेगा। सबसे पहले तो हम ये फोर्स पी को, फोर्स पी जो कि इंक्लाइंड है, फोर्स पी को हम यहां पे रिजॉल्व कर लेंगे। इंक्लाइंड फोर्स को हमेशा रिजॉल्व करना होता है, इट मींस उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, देन आफ्टर ओनली ये एफबीडी कंप्लीट होता है। तो ये देखिए, ये हमने फोर्स पी को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली उसका एंगल दिया है 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस ऑफ 30 डिग्री, और वर्टिकली हो जाएगा P sin of 30 डिग्री।
इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना होता है, इसलिए हमने इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व कर दिए। फोर्स पे इंक्लाइंड था, लेकिन एफबीडी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो इसीलिए क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ये फोर्स पी से पुल करने के बाद ये ब्लॉक राइट साइड में मूव करेगा। जब ये राइट साइड में मूव करेगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे शो करना है। तो ये देखिए, ये हम फ्रिक्शनल फोर्स शो करेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय आपको हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन शो करना है। इसका मोशन कहां पे है, तो ये देखिए यहां पे हम लिख देंगे, इसका मोशन जो है वो राइट साइड में है। इसका मतलब ब्लॉक जो है वो राइट साइड में मूव कर रहा है। अगर ब्लॉक राइट साइड में मूव कर रहा है तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में शो करना है। तो ये देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स हमने लेफ्ट साइड में शो किए। और फ्रिक्शनल फोर्स शो करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर शो करना है। तो फाइनली एफबीडी यहां पे कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करना है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस की जानकारी आपको होना चाहिए। इसके पहले हमने इक्विलिब्रियम यूनिट के कुछ वीडियोस आपको दिए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिए, आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स सिस्टम क्या होते हैं, फोर्सेस के कितने टाइप्स हैं, इंक्लाइंड फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना, ये सभी प्रकार के वीडियोस, इसमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे करना, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई कैसे करना, ये और मोमेंट कैसे अप्लाई करना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, ये सभी प्रकार के वीडियोस हमने इसके पहले ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप ये सभी वीडियोस देखिए और अच्छे से स्टडी करिए। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम फिलहाल ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम कंडीशंस तीन है। पहली कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, और थर्ड कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। लेकिन हम थर्ड कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंट अप्लाई करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिया होना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं दिया है। तो थर्ड कंडीशन हम यहां पे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, बस ये दो ही कंडीशन से हम ये सॉल्व करेंगे। और साथ में हम यहां पे फ्रिक्शन का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला वो भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो चलो फाइनली हम वो सभी कंडीशंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हम यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने क्या, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहां जितने भी ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका हमें समेशन करना है। और समेशन करने का रूल बहुत ही सिंपल है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, तो लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस को माइनस। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, तो यहां पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, एक है P cos 30 और एक है F, दोनों का समेशन करना है। ये P cos 30 राइट साइड जा रहा है, तो हम इसको लेंगे प्लस में, P cos of 30 प्लस में, और ये जो F है ये लेफ्ट साइड जा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स F लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये माइनस में इक्वल्स टू जीरो। तो दोनों फोर्सेस हमने यहां पे लिख लिए, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम एक काम करेंगे, यहां पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स F है, F के जगह हम म्यू इंटू आर ऐसा लिख सकते हैं, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है। तो हम यहां पे लिखेंगे P cos of 30 माइनस F के जगह हम लिखेंगे म्यू इंटू आर इक्वल्स टू जीरो। उसका रीजन क्या है, हम यहां पे लिखेंगे सिंस फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है जो हमने यहां पे यूज किए। दैट इज सिंस हमने लिखे F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हमने इसके पहले के वीडियो में भी ये बताया है। तो ये देखिए, फाइनली हमने ऐसा इक्वेशन बना लिया P cos 30 माइनस म्यू इंटू आर, और यहां पे म्यू का वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए, हम यहां लिखेंगे P cos of 30 माइनस म्यू माने 0.3 आर इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम, इसको हम इक्वेशन नंबर ए कहेंगे। हमने क्या किए, हमने यहां पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पहली कंडीशन अप्लाई किए, तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया। हमने ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर एक यहां पे कहा, और ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। और यहां पे हमने फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला जो है, ये फार्मूले का यूज किया, ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू म्यू इनटू आर, उसका यूज करके हमने ऐसा इक्वेशन बना लिए। और अब हम इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तो चलो सेकंड कंडीशन हम यहां अप्लाई करेंगे, हम यहां लिखेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब क्या होता है, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समेशन करना है। और समेशन करने का रूल है वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो नीचे आने वाले फोर्सेस माइनस। तो यहां काउंट करो, यहां टोटल कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं जरा चेक करो, तो यहां टोटल जो है तीन वर्टिकल फोर्सेस हैं, एक है P sin 30, एक है 200 और तीसरा है R। तो चलो ये तीनों का समेशन करो, समेशन करने का रूल हमने आपको बता दिए हैं।
पी साइन 30 जो है ये ऊपर जा रहा है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, पी साइन 30 प्लस में। देन ये आर जो है ये भी ऊपर जा रहा है तो हम इसको प्लस में लिखेंगे, और ये जो 200 है ये नीचे आ रहा है तो हम इसको माइनस में लिखेंगे, इक्वल्स टू जीरो। और यहां से हमें एक और साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो ये 200 जो कि कॉन्स्टेंट है इसको राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये ऐसा हो जाएगा पी साइन ऑफ 30 प्लस आर इक्वल्स टू 200। हमने क्या किया, 200 जो कांस्टेंट है उसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिए। उसका रीजन ये है कि साइमल्टेनियस मोड में जब भी आपको सॉल्व करना है तो आपको कांस्टेंट को राइट साइड में लिखना होता है, इसीलिए। तो फाइनली हमने यहां पे इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी, ऐसे दो इक्वेशन हमने बना लिए, और ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और ये दोनों को हम कैल्सियम में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर आप डिग्री मोड में ले लेंगे और कैल्सियम में आप साइमल्टेनियस मोड में चले जाएंगे इक्वेशन में जाके, और यहां से आप दोनों के कोएफिशिएंट्स पुट अप करेंगे। पी का कोएफिशिएंट है कॉस 30 हम लिखेंगे, आर का कोएफिशिएंट है -0.3 और फिर राइट साइड में जीरो है, और यहां पे सेकंड में पी का कोएफिशिएंट है साइन ऑफ 30, देन यहां आर का कोएफिशिएंट 1 है और राइट साइड में 200 है। तो ये हमने सभी का कोएफिशिएंट यहां पे लिख दिया है, तो यहां पे हमें दोनों आंसर आ चुके हैं। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड डी। तो चलो देखते हैं, यहां पे पहला अननोन एक्स इट मींस पी जो है वो यहां पे आ चुका है, तो पी का वैल्यू आया है 59.053 न्यूटन, और इज इक्वल टू करेंगे तो हमें आर का वैल्यू भी यहां मिल चुका है 170.473 न्यूटन। तो फाइनली पी और आर दोनों हमें यहां पे मिल गए, और इसमें से क्वेश्चन में सिर्फ पी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमने पी और आर दोनों यहां पे फाइंड आउट कर लिए। और यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे म्यू का वैल्यू जो है वो 0.30 है, देखिए म्यू का वैल्यू 0.30 है, लेकिन हमने लिखते समय 0.3 लिखे, क्योंकि पॉइंट के बाद ये जो जीरो है इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपको सिर्फ 0.3 लिखना है। और ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से हमने कंप्लीट की है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था फ्रिक्शन यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले हमने ऑलरेडी इसके दो प्रॉब्लम्स लिए थे, वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।